शादी के एक साल बाद टुनटुनी माँ बनती है, तब उसकी सास बबली कबूतरी। हाय राम, मेरे तो कर्म ही फूट गए। सोचा था बहू बेटी को जन्म देगी तो घर में खुशियाँ मनाऊंगी, लेकिन इसने तो बेटी को जना है। माँ जी, आप ऐसे क्यों मातम मना रही हैं? ये भी तो आपकी पोती है। अरे करमजली, मातम ना मनाऊं तो क्या करूं? खुशियाँ मनाऊं? तूने बेटी जनी है, अभी से ही मुझे दहेज की चिंता होने लगी। इतना कहकर टुनटुनी की सास रोने लगती है। अगले दिन टुनटुनी उठकर घर के काम करने लगती है। माँ जी, बेटिया रो रही है, जरा उसे उठा लीजिए, मैं घर के काम कर रही हूँ। खबरदार, जो तूने मुझे अपनी बेटी को उठाने के लिए कहा, तो रो रही है तो रोने दे, तू अपना काम कर। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन बबली की पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है। बबली, अरे बबली, ये ले मिठाई खा, मेरी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। तू बहुत खुशकिस्मत है सुंदरी, जो तेरी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। एक मेरी बहू है जिसने बेटी को जन्म दिया है, मेरे तो कर्म ही फूट गए। तो दास की होती है बबली, अगली बार तेरी यहाँ बेटे का जन्म हो जाएगा, तब तू अपनी सारी खुशियाँ मना लेना। ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन टुनटुनी को इस बार भी बेटी होती है। बहू, अब मैं तुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रख सकती। मैंने तो सोचा था इस बार तू बेटा जनेगी, लेकिन इस बार तो तूने 2 बेटियों को जन्म दे दिया है। मैं अब अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। अब उठा अपनी मनहूस बेटियों को और निकल जा मेरे घर से। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटियों को लेकर? तू कहीं भी जा, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जा। क्यों जी, आप खड़े होकर चुपचाप सुन रही हैं, कुछ कहते क्यों नहीं है? मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? देखो टुनटुनी, माँ जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, मुझे इस मामले में नहीं पड़ना। रोती बिलकती टुनटुनी अपनी बेटियों को साथ लेकर भटक रही थी। अचानक उड़ते उड़ते वो बेहोश हो जाती है। उसी समय वहाँ से एक चिड़िया गुजर रही थी। जब उसने टुनटुनी को बेहोश पड़ा देखा तो वो उसे और उसकी बेटियों को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है। टुनटुनी के उठ जाने पर, बहन तुम कौन हो? तुम अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर जंगल पर क्यों भटक रही थी? क्या बताऊं बहन, मुझे इन बेटियों की होने की सजा मिली है। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो टुनटुनी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं एक NGO चलाती हूँ और तुम्हारी जैसी सताई हुई चिड़ियों की मदद करती हूँ। आज से तुम और तुम्हारी बेटियाँ मेरे ही घर में रहेंगी। ये सुनकर टुनटुनी खुश हो जाती है और अपनी बेटियों के साथ उस NGO में रहने लगती है। और इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। अब टुनटुनी की बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं और एक दिन, रानी चिड़िया, तुम बहनों में सबसे बड़ी हो, कब तक हम इस NGO के भरोसे रहेंगे? तुम जंगल में जाओ और कुछ काम ढूंढो। रानी चिड़िया को सिंगिंग का बहुत शौक होता है। वो नदी किनारे बैठकर गाना गाने लगती है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जो दागर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। उसकी सुरीली आवाज सुनकर आसपास के पक्षी कुछ दाना उसे दे दिया करते थे। इसी तरह रानी चिड़िया दिन भर गाना गाती और शाम को दाना लेकर वो NGO चली जाती। वहीं उसी जंगल में कालू नाम का बड़ा सिंगर नदी किनारे पानी पीने आता है। तभी उसके कानों में रानी चिड़िया की सुरीली आवाज सुनाई देती है। दिल को करार आया, तुझ पे ही प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। वो रानी चिड़िया का गाना सुनने लगता है। गाना खत्म होने के बाद, सर गाना खत्म हो गया है, कुछ पैसे या अनाज दे दो। कालू सुपरस्टार उसे कुछ पैसे देता है और कहता है, तुम कितना अच्छा गाना गाती हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बड़ा सिंगर बना दूंगा। रानी चिड़िया से पहचान नहीं पाती कि वो सुपरस्टार कालू है और उसे कहती है, तुम मेरा किडनैप करोगे, मैं नहीं चाहती अजनबियों के साथ, और दोबारा यहाँ मत आना,
फिर थोड़ी देर के बाद एक चिड़िया उसे बताती है वो कोई और नहीं जंगल का सुपरस्टार कालू है। सब पक्षी उसके काय काय के दीवाने हैं। अगले दिन कालू सुपरस्टार उसकी आवाज़ सुनने नदी किनारे आता है और तब रानी चिड़िया उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, आई एम रियली सॉरी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाई। धीरे धीरे दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं और रानी चिड़िया सुपरस्टार के साथ रहते रहते एक दिन खुद भी सुपरस्टार बन जाती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी और बंटी नाम के पति पत्नी रहते थे। एक दिन टुनटुनी अपने पति बंटी से कहती है, महंगाई तो कितनी ज्यादा हो रही है, जंगल में और पक्षी भी हमारी मदद नहीं करते और ऊपर से कालू जादूगर ने भी हमारे जंगल में आतंक मचा रखा है। अब हम क्या करें जी, आप अपनी लकड़ियों को महंगे दाम में बेचना शुरू कर दीजिए। ये बात सुनकर बंटी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, अगर मैं लकड़ियों को महंगा कर दूंगा तो लोग घास ही खरीद लेंगे, लकड़ी सस्ते दामों में बेचने के कारण ही मेरी लकड़ी थोड़ी बहुत बिक जाती है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन बंटी पेड़ से लकड़ी चुन रहा होता है, तभी पेड़ के अंदर से एक जादुई चिड़िया निकलती है। वो बहुत रो रही होती है। उसे रोता देख बंटी उस चिड़िया को अपने घर ले आता है। और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी चिड़िया सुनो, आज मैं जब लकड़ियाँ काट रहा था तो पेड़ के अंदर से ये नन्ही चिड़िया निकली, ये बहुत रो रही है, तुम इसे कुछ खिला पिला दो। लेकिन बंटी जी, हमारे पास तो खाने को कुछ है ही नहीं। रुकिए, मैं बुलबुल से कुछ लेकर आती हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया बुलबुल से चावल दाना लाकर उस चिड़िया को खिला देती है और दाना खाकर वो चिड़िया सो जाती है। अगले दिन बंटी जी, हम अब इस चिड़िया को मिट्ठू तोता को दे आते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे और दाना नहीं है जो हम इसको पाल सकें। ठीक है, जब ये उड़ जाएगी तो हम इसको मिट्ठू तोता को दे देंगे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी इस चिड़िया को जैसे ही उठाती है उसके परों में से सोने और हीरे की अशर्फियाँ गिरने लगती है। ये देख कर टुनटुनी हैरान हो जाती है और जल्दी से बंटी को बुलाती है। बंटी जी जल्दी आइए, ये देखिए इस बच्ची के पंखों में से सोने और हीरे की अशर्फियाँ गिर रही है। ये देखकर बंटी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, ये चिड़िया तो जादूगरनी है, अब हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएंगी और अब तो हम इसका ध्यान भी अच्छे से रख सकते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब बंटी अपना नया कारोबार भी खोल लेता है। बंटी और टुनटुनी चिड़िया मिलकर सबकी मदद भी करने लगते हैं। अब ये खबर कालू जादूगर को पता चल जाती है और वो अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों उस टुनटुनी के घर जाओ और चुपचाप से उस जादुई चिड़िया को चुरा कर हमारे पास लाओ। दोनों सिपाही उस चिड़िया के घर पहुंचते हैं। जब टुनटुनी सो रही होती है तभी वो चिड़िया को उठा लेते हैं और अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी वो चिड़िया रोने लगती है। अब चील सिपाही कहता है, अरे ये तो बहुत भारी हो गई है, उससे तो उठाई भी नहीं जा रही, इसका रोना बंद करा वरना ये तो हमें पकड़वा देगी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो जादुई चिड़िया और जोर जोर से रोने लगती है। रोने से उस बच्ची का वजन भारी हो जाता है जिसकी वजह से सिपाही उसे उठा नहीं पाते और वहीं जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह टुनटुनी और बंटी ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंचते हैं और उस जादुई बच्ची को अपने घर ले जाते हैं। अब बंटी और टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर उस बच्ची को जंगल से बहुत दूर ले जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक घने जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन टुनटुनी अक्सर अमीर बनने के सपने देखा करती थी। एक दिन, अरे टुनटुनी दीदी तुम बैठकर क्या सोच रही हो? टूनी मैं यही सोच रही हूँ, ये अमीर पक्षी कितना अच्छा जीवन जीते हैं। इनके पास बड़े बड़े घोंसले, हवाई मोटर और महंगे महंगे कपड़े होते हैं पहनने को, लेकिन देख हम गरीबों के पास क्या है, रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं है, अच्छा खाना तो दूर है, अच्छा पहनना भी नसीब नहीं होता है।
लेकिन दीदी मैंने तो ये सुना है जिसके पास जितना होता है उसके लिए उतना ही अच्छा होता है। फिर अमीरों के बारे में सोच सोच कर दुखी होने से क्या फायदा, अपने पास जो है बहुत है, ज्यादा सपने मत देखा करो दीदी। देख ना टूनी, एक दिन मैं एक रईस पक्षी से शादी करूंगी, फिर मेरे पास वो सब कुछ होगा जिसे मैं चाहती हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टुनटुनी की माँ उसके पास आकर कहती है, देखो टुनटुनी, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, लड़का रईस है लेकिन उसका रंग सांवला है। माँ मुझे सांवले और गोरे से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस रईस पक्षी से शादी करनी है। टुनटुनी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और जल्दी उसकी शादी उस रईस कौए से हो जाती है। एक दिन टुनटुनी अपनी हवाई मोटर से अपने मायके आती है। कहो दीदी, ससुराल में खुश हो ना? हाँ हाँ टूनी, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल में बहुत पैसा है, देख मैं कितनी महंगी हवाई मोटर में आई हूँ। अब इधर उधर जाने के लिए मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता। अब तू भी किसी रईस से शादी कर ले और मजे से जिंदगी गुजार। दीदी अगर मेरी किस्मत में किसी रईस से शादी लिखी होगी तो हो ही जाएगी, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। ये सब सुनकर टुनटुनी कहती है, तू पगली है, जब देखो ज्ञान की बातें करती रहती है। चल अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तू मम्मी का ख्याल रखना। इसी तरह समय गुजरने लगता है और टूनी की शादी एक लकड़हारे से हो जाती है। तब उसकी बहन मजाक उड़ाती हुई कहती है, छी टूनी, तूने शादी करी भी तो एक लकड़हारे से, वो तुझे क्या पहनने के लिए देगा और रहने के लिए उसके पास बड़ा घर भी नहीं होगा। खैर तू चिंता मत करना, तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम उससे मांग लेना, आखिर मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी सारी कमी को पूरा कर दूंगी। दीदी आपने मेरे बारे में सोचा मेरे लिए यही बहुत है, लेकिन मेरे पति जो भी कमाते हैं मैं उसी में बहुत खुश हूँ। वो सब तो ठीक है टूनी, लेकिन तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास जरूर आ जाना, मेरे पास बहुत पैसा है, अगर मैं उसमें से थोड़ा तुम्हें भी दे दूंगी तो मुझे कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के पति की हवाई मोटर क्रैश हो जाने से मौत हो जाती है। तब टुनटुनी के ससुराल वाले उसे धक्की मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी रोती रोती अपनी बहन के घर जाती है। टूनी मुझे पैसों का घमंड हो गया था, इसलिए भगवान ने मुझे सजा दे दी। मेरे पति की मौत एक हवाई मोटर क्रैश में हो गई और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। दीदी तुम रो मत, तुम मेरे घर में रह सकती हो। मेरा घर छोटा है पर मेरा दिल बहुत बड़ा है, हम दोनों बहनें इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है टूनी, मुझे जब तक कोई काम नहीं मिल जाता तब तक मैं तेरे घर में रहूंगी, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसी तरह दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहती हैं।